नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। सभी दल उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जैसे ही कोई घटना घटित हो रही है, सभी पार्टियां सियासी मरहम लगाने के लिए पहुंच जाती हैं और उसके बाद शुरू होता है एक दूसरे पर तीखा हमला। पक्ष विपक्ष के आरोपों के बीच सिर्फ जनता को ही छला जा रहा है, पर यह सब सियासत का हिस्सा है। नेता साम दाम दंड भेद अपनाकर बस सत्ता की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकारी गुंडागर्दी कहीं देखनी है तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो, लेकिन काले झंडे दिखाने का मतलब नहीं कि गाड़ी से रोकोगे। ये चाइना नहीं है, ये विरोध पे आप बुलडोजर वहां पे ट्रक से ढोवाओगे उनके ऊपर। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें कितना भी सरकार बनाऊंगी मैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे राजनीति भी सहानुभूति के सहारे अपना रास्ता खोजती जा रही है। और हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान जैसे देश में मन दिमाग पर हावी हो ही जाता है, और यहाँ संवेदना का जामा पहनकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश हमेशा से ही की जाती रही। मैं यहाँ किसी दल या व्यक्ति विशेष के सहानुभूति से भरे किसी काम पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि ये काम तो सराहनीय है, पर जब ये सहानुभूति केवल राजनीतिक मंसूबों को साधने के लिए की जाती है तो इस पर सवाल उठाना हम जैसे कलम के सिपाहियों की नैतिकता की जिम्मेदारी भी हो जाती है। चलिए अब मुद्दे पर सीधे आ ही जाते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल सहानुभूति भी वर्ग विशेष के वोट प्रतिशत और उस घटना से पार्टी को क्या फायदा होगा ये देखने के बाद ही तय किया जाता है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो आबादी के लिहाजे से देश का ये सबसे बड़ा राज्य है, तो अपराध भी उस आंकड़े के साथ मौजूद होते हैं, और इन आंकड़ों में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष दोनों ही उलझे रहते हैं। सत्ता पक्ष अपने आप को सही साबित करने में लगा रहता है तो विपक्ष उसको मौका मानकर लाभ उठाने का प्रयास करने लग जाता है। अब हम राजनीतिक से भरी सहानुभूति के इतिहास पर नहीं जाते हैं, नहीं तो कलम की धार को और पैना करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में केवल पीड़ित पक्ष के माध्यम से अपनी राजनीतिक छवि को संवारने का प्रयास किया जाता था। अब साफ साफ बता ही देता हूँ कि अभी हाल में लखीमपुर के तिकुनिया गांव में हुई घटना को लेकर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं, और सेकी भी क्यों नहीं जाती। मामला देश के सबसे बड़े वोट वर्ग यानी किसान का जो था। किसान वर्ग तो समझ लीजिए 60% वोट बैंक, जिसमें धर्म जाति संप्रदाय की कोई भी भूमिका नहीं होती। सबसे पहले इस अभियान की भागदौड़ संभाली उस पार्टी ने जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन खोजने में लगी हुई है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस के बाद नंबर आता है समाजवादी पार्टी का, फिर बसपा का, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का। ये सभी राजनीतिक दल लखीमपुर पहुंचे, इन्होंने पीड़ित पक्षों से मुलाकात करी और ढांढस बंधाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या खाली उत्तर प्रदेश का लखीमपुर ही इन घटनाओं से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना के बाद राजस्थान में बेगुनाह की मौत पर बहस के बीच राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित युवक की हत्या का मामला चर्चा में है। सोशल मीडिया पर युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो भी वायरल हो चुका है, पर यहां तो ना कोई अन्य दल पहुंचा, ना ही वहां सत्ता पर काबिज
कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने गया। तो सबसे बड़ी बात, लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ित से मिलने के लिए प्रियंका गांधी का संघर्ष सबको याद ही है। यहाँ तो कांग्रेस विपक्ष में नहीं सत्ता पक्ष में है। ये काम सहानुभूति देना नहीं बल्कि पार्टी की छवि को बचाना होता है। चलो अब आते हैं छत्तीसगढ़ के गाड़ी चढ़ाने वाले मामले पर। इस पर भी किसी राजनीतिक दल ने कोई सहानुभूति की कोशिश नहीं की, बस थोड़ा बहुत ट्वीट करके खाना पूर्ति कर ली गई। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है और प्रियंका गांधी ने खुद को सहानुभूति से दूर रखकर यहाँ पर मदद के दो आंसू भी नहीं टपकाए। अभी कुछ दिन पहले आतंकवादियों द्वारा एक स्कूल में परिचय पत्र को देखने के बाद दो लोगों की हत्या कर दी गई थी, जहां एक अध्यापिका सिख धर्म से थी और दूसरा अध्यापक कश्मीरी पंडित था। अब इस घटना पर कोई राजनीतिक दल पीड़ित पक्ष को संतावना देता नजर नहीं आया। आता भी क्यों, मामला ना तो चुनावी राज्य का था ना ही किसी वर्ग विशेष का। यहां ना सहानुभूति प्रत्यक्ष रूप से देखी गई ना ही अप्रत्यक्ष रूप से, और ना ही यहां पर कोई खाना पूर्ति देखी गई। बात करते हैं आगरा की। बीते दिनों आगरा में पुलिस कस्टडी में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा था कि पुलिस ने उस व्यक्ति को इस कदर टॉर्चर, इस कदर उसके साथ थर्ड डिग्री की थी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले के बाद भी उत्तर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई थी और सबसे पहले प्रियंका गांधी और उसके बाद अन्य राजनीतिक दलों ने आगरा के लिए कूच कर दिया। रास्ते में प्रियंका गांधी को रोका भी गया, हिरासत में भी लिया गया, लेकिन उसके बावजूद लंबी कश्मकश के बाद प्रियंका गांधी आगरा पहुंच गई और पीड़ित परिवार से सहानुभूति के शब्दों द्वारा बौछार करती हुई नजर आई। सरकार के ऊपर भी सवाल प्रियंका गांधी ने काफी कुछ दागे थे। आम आदमी पार्टी भी पहुंची, कई और राजनीतिक दल पहुंचे, लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उत्तर प्रदेश में ही कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है? क्या उत्तर प्रदेश में ही सहानुभूति के आंसू ये राजनीतिक दल बहाते हुए नजर आ रहे हैं? तो आखिर क्यों? इसका जवाब सिर्फ इतना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2022 का विधानसभा चुनाव, और ये सहानुभूति के आंसू तब तक दिखते रहेंगे जब तक हम और आप अपनी मोहर से नतीजे जारी नहीं कर देते। ये राजनीतिक दल तब तक उत्तर प्रदेश में दिखते रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव डिक्लेयर नहीं हो जाते, नतीजे घोषित नहीं हो जाते और सरकार नहीं बन जाती। उसके बाद फिर ये राजनीतिक दल किसी और अन्य राज्य की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि वहां पर कानून व्यवस्था कैसी है, देखेंगे कि वहां पर किसकी मृत्यु हुई, देखेंगे कि वहां पर पुलिस कैसा बर्बर बर्ताव करती है, देखेंगे कि वहां की सरकार कितनी नाकाम है, और उसके बाद वहां पर मुआवजे की राशि, उसके बाद वहां पर घोषणाओं का पत्र, उसके बाद वहां पर सहानुभूति की लड़ाई शुरू कर दी जाएगी। प्राइम टीवी न्यूज़। सरकारी गुंडागर्दी कहीं देखनी है तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो, लेकिन काले झंडे दिखाने का मतलब नहीं कि गाड़ी से रोकोगे। ये चाइना नहीं है, ये विरोध पे आप बुलडोजर वहां पे ट्रक से ढोओगे उनके ऊपर। अब आम जनता को भी इस स्वार्थ से भरी सहानुभूति और सच्ची सहानुभूति में अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि घृणित राजनीति से प्रेरित इस सहानुभूति से केवल दर्द ही बढ़ेगा, आराम ही उम्मीद करना बेनामी हो सकता है। मैं तो सभी दलों से ये उम्मीद करती हूं कि कुछ सहानुभूति राजनीति से अलग होकर भी दे, जिससे पीड़ित पक्ष की तकलीफों को कम किया जा सके और पीड़ितों में कोई अंतर न करके अपने अपने मानव होने पर परिकल्पना को सिद्ध किया जा सके। और इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।